ये देखिए गांव से भी चाची लोग आए। चाची कौन से गांव से आए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह नागपुर से साई सिंदल निकलता है नागपुर दरगाह से। तो सकलेन भाई कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ पे मिलेगा सिंदल? अभी फिलहाल अपन जा रहे हैं बालदरपुरा, वहाँ पे आज न्यास भी है। हाँ। बहुत बड़ी सरकार के तरफ कितने कहा जाता है वो 80 मन 100 मन 100 मन ढेक बनी है, 100 मन खाना पकाए यानी। तो चलो हम भी खाएंगे और आपको दिखाएंगे। और सिंदल यहाँ से निकलता सुबह कितने बजे निकल जाता है? 11 बजे सुबह 11 बजे निकल जाता है और फिर रात को वापस आता है 10 बजे तक। तो चलो चलते हैं दिखाते हैं। और हमारे सकलेन भाई का भी यूट्यूब चैनल है, किस नाम से? मेरा नाम तो मेरे ही नाम से सकलेन खान यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब। देखिए शाम हो गई है और बाबा ताज का जो संगल आएगा और रात को आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे माहौल देखिए सुबह इतना खूबसूरत प्यारा माहौल है और यहाँ पे जगह जगह गेट बनाए गए हैं और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह पूरा मार्केट भी लग गया है। सुबह अभी संदल दिखाने जाके आ रहा हूँ, अभी कहाँ पर संदल पहुँचा है वही दिखाने लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए माशाल्लाह काफ़ी शानदार यहाँ पे गेट बना है। देखिए ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पर कितना खूबसूरत प्यारा गेट बना है। और यहीं से अम्मा हुजूर का जो संदल जैसा कि आपको पता आया था, ये अम्मा हुजूर की फ़ोटो है देखिए। और ये रहा देखिए गेट कितना खूबसूरत बना है। और अभी अम्मा हुजूर का मतलब बाबा जान का संदल बहुत शानदार बहुत खूबसूरत मंजर है। देखिए हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी दूर दूर से पब्लिक आती है। ये देखिए पब्लिक बहुत दूर दूर से आई हुई है माशाल्लाह। तो हम लोग बाबा ताज का संदल ही दिखाने लेके जा रहे हैं यहाँ पे। कोई भी शहर में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, हमारे भाई लोग मिल जाते हैं और माशाल्लाह मदद करते हैं। तो हमारे सके हमारे मदद करे और हमारा सुफियान भाई माशाल्लाह। तो आपको और अब वहीं पर दिखाएंगे क्राउड बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। मैं हसन बाग पहुँच चुका हूँ नागपुर से, हसन बाग एरिया में। यहाँ पे हर जगह 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 लंगर आम जा रही है माशाल्लाह। नागपुर में ये जो एरिया है माशाल्लाह, इस एरिया में क्या होता है सकलेन भाई? रमजान में पूरे 300 दिन भाई तैयारी होती है, पूरे 300 दिन। हाँ कंटिन्यू एक दिन की गैप के ऊपर पूरे 300 दिन तैयारी। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए ये पूरा मोमडन एरिया है पूरा। सुबह तो ये देखिए बाबा ताज बाग से आता है और यहाँ पर कौन सी दरगाह है वहाँ पे जाता है संदल। देखिए माशाल्लाह हम लोग कहाँ पे सकलेन भाई कहाँ पे पहुँच गए हम लोग? अभी पहुँच गए अपन भाई बादरपुरा। बादरपुरा तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर भाई सरकार की सबसे बड़ी न्यास बनी है भाई, सौ मन डेट बनी है यहाँ पे बिरयानी। हाँ लोगों के लिए से ये देखिए यहाँ से देखो यहाँ से डेट देखो खाली हो चुकी है। अच्छा 125 मन बिरयानी बनवाए कि इन्होंने किनकी जानी से? ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे गेट भी बनाया गया है बहुत खूबसूरत और 125 मन बिरयानी बनी है और अभी भी लंगर चल रहा है। ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम कह सकते हैं कि ये नागपुर का सबसे बड़ा ये डेक बना है, सबसे बड़ा खाना बना है। ये देखिए माशाल्लाह नागपुर का सबसे बड़ा खाना यहाँ पे बनाया है नागपुर में, देख सकते हो माशाल्लाह बाबा ताज के मौके पर। यहाँ पर देखिए बाहर निकालो, ये देखिए सुभान अल्लाह यहाँ पे लंगर आम अभी भी जा रही है और पब्लिक आ रही है और खा रही है और जा रही है। कह जो खैरियत कहाँ से हो? हाँ कौन बनवाए थे ये सब? ये देखिए माशाल्लाह आज मैं आया हुआ हूँ नागपुर शरीफ में बाबा ताज की नगरी पे, जहाँ पर माशाल्लाह लंगर याम जारी है और यहाँ पर अभी भी चल रहा है। सुभान अल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये लंगर कितना बना है? 100 मन बकरे का माशाल्लाह। तो ये कौन बनवाते, किन की जानिब से ये? आप जैसे गरीब लोग बना देते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। तो ये मतलब कमेटी का नाम क्या है?
कोई नाम नहीं है। अच्छा ये मतलब नौजवानों की तरफ से नागपुर की तरफ से माशाल्लाह। तो ये कह सकते हो नागपुर का सबसे बड़ा लंगर बना है। सुबह अच्छा 100 मन माशाल्लाह यहाँ पे लंगर बना है। अच्छा ये बताइए कि पब्लिक कब से मतलब लंगर कब से शुरू है? और 11 बजे सुबह के 11 बजे से और अभी भी चल रहा है, तो मतलब काफी पब्लिक खा गई होगी माशाल्लाह। कम से कम कितनी पब्लिक? कम से कम 35,000 से 50,000 लोगों ने माशाल्लाह। आप देख सकते हो, बता दूं कि 50,000 पब्लिक ने यहाँ पे अभी तक लंगर खा चुके हैं माशाल्लाह। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों के लिए जो देख रहे हैं? जी सौ साल पूरे हो चुके हैं जी। इधर लाइए। 2 साल से लॉकडाउन लगा था जी, तो उसकी खुशी में जी हम सब कई लोग कमेटी है, नौजवान लोग है, वो है, बुजुर्ग लोग है जी, सब उन्हें मिलकर ही लंगर को कामयाब किया माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह 100 साल के उर्स के मौके पे 100 साल के उर्स के मौके पे 100 मन बिरयानी बनाई गई माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे ये देखिए अभी भी लंगर लोग खा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है लंगर में? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत इंतजाम भी मामूली करा गया है। हाँ। और बहुत अच्छा लोग हिंदुस्तान के लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे लंगर खा के जा रहे हैं। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खाना खाया क्या? नहीं अभी नहीं खाया। एक चीज आपको बता दूं, ये देखिए माशाल्लाह ये हमारे बड़े भाईजान हैं, हमारी पूरी वीडियो को देखते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम भी यहाँ पे आए, हम भी लंगर खा के जाएंगे हमारे साथ जरूर। ये देखिए हमारे चाचा कितनी मोहब्बत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खाना खा के जाइए माशाल्लाह। ये देखिए आज मेरे वालों के लिए कितनी मोहब्बत करते हैं, शुक्रिया आपका माशाल्लाह। आज मेरे वालों के लिए ताज वालों का लंगर, सुभानअल्लाह। आपको बता दूं माशाल्लाह कि आज मैं बाबा दाज की नगरी पे आया हूँ, ये हमारे को शर्त मिला है कि आज मैं यहाँ पे बैठ के लंगर खा रहा हूँ हजरत के साथ में। और मैं आपको बता दूँ ये जो जगह है ना, ये जगह का भी बहुत बड़ा किस्सा है, बहुत बड़ी करामत इस जगह की। ये बताइए क्या क्या है यहाँ की? जी और यहाँ से जाते थे तो आप अपने मिडन शरीफ जाते थे जी, मिडन शरीफ में जाते थे जी, वहाँ से फिर आप अपने वापी जाते थे जी, समझे बाकी जहाँ बाकी से फिर आप आते थे तो हजरत मुकैस रहमतुल्लाह अलैह आते थे माशाल्लाह। और वहाँ से फिर आप ताजमहल शरीफ जाते थे तो अपनी जिंदगी हयाती में यही से गुजरते थे? हाँ यही रोड था माशाल्लाह, मक्की में निकलते थे। और जब महल से आप जाते थे जी, तो महल आने के पहले हजरत दरबार तो वो दरबार से पहले आप उधर मक्की में से उतर जाते थे जी। यदि आप हमारे बड़े भाई उतर जाते माशाल्लाह। ये जो जुलूस निकलता है संदा, ये कितने किलोमीटर का निकलता है और ये कौन निकालना शुरू करे इसका? ये अपने भावजान के ड्रेस के मतलब से निकलता संदा जी। और ये ड्रेस के संदा के अंदर में लाखों का लोग रहता है। अच्छा लाखों का माशाल्लाह, लाखों के लोग। अभी देखो ये भीड़ है, अभी दिखा दो थोड़ा सा कैमरा घुमा के, अभी भी देखो कितना भीड़ है माशाल्लाह। जो संदा जा चुका है, इसको थोड़ा सुनना बेटा, संदल जा चुका है फिर भी माशाल्लाह यहाँ पे काफी क्राउड है। और जब संदल निकला होगा तो कितना होगा? ये संदल ताजमहल शरीफ से निकलता है 10 बजे जी, और यहाँ पर आया था ये यहाँ से 4 बजे यहाँ से खत्म हुआ। अच्छा यहाँ से रिटर्न देख लेते हैं? हाँ यहाँ 1 बजे आया था, यहाँ से 4 बजे खत्म हुआ। 3 घंटे माशाल्लाह। कितने किलोमीटर का रहता पूरा संदल? ये समझिए कम से कम गिरी गिरी हालत में 20 से 25 किलोमीटर का फर्क आता है माशाल्लाह। और जो मजमा रहता है वो 3 से 4 किलोमीटर तक रहता है पूरा। ज्यादा 10 किलो? हाँ 10 किलोमीटर तक यहाँ पे मजमा रहता है माशाल्लाह। साई संदल साई चादर जो है ताजाबाद शरीफ के पास में रहती है। हाँ। तो पब्लिक जो है वो रेशमबाग चौक पर रहती है। अच्छा अरे 10 से 12 किलोमीटर का मतलब संदल चलता है माशाल्लाह। तो चलो चलते हैं संदल दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए माशाल्लाह नेशनल इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है माशाल्लाह। यहाँ पे आम जनता ने माशाल्लाह 100 डेग तैयार कराई है माशाल्लाह। 100 डेग एक साथ बाबा ताज में पहली बार 100 डेग बनी माशाल्लाह। ये देखिए हमारे भाई लोग कैसे खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ। ये देखिए माशाल्लाह पूरे दुकान वालों ने पूरी आम जनता ने मिलकर के एक साथ यहाँ पर डेग को तैयार कराया। 100 डेग को 100 मन डेग को तैयार कराया गया यहाँ पे माशाल्लाह। तो बहुत बड़ा लंगर चला, ये करीबन 50,000 लोगों ने खाना खाया और करीबन
5-7-8 घंटे चला ही है। सुभान अल्लाह, पानी का भी जगह जगह माशाल्लाह इंतजाम करा गया। दिए यहाँ पे कम से कम 50 तो टैंकी होंगे, 50 से ज्यादा कितने होंगे, ये 300 देख सकते हो, 300 कैन आई थी यहाँ पर आप इसे तो पानी की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बाबा तो आज के चाहने वालों का लंगर है। ये देखिए यहाँ पे पटेल बूट हाउस है माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे चप्पल जूते भी मिलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर आए, कौन सा एरिया हजरत? सितारा की चौक यहाँ पे आपको हमारे चाचा की दुकान भी मिलेगी जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो माशाल्लाह। देखिए नाइट का माहौल है और कितना खूबसूरत माहौल है, सुभान अल्लाह। ये देखिए हर तरफ आपको डेग मिलेगी, डेगी डेग मिलेगी। अब इन डेगों को देख कर जा रहे हैं वापस। ये देखिए कल शाम से डेग बनना शुरू हो गई, मैं कितना लंबा चल के आ चुका हूँ, यहाँ पे डेगे ख़त्म नहीं हो रही है। और ये पुराना एरिया था, ये सारा पुराना एरिया पूरा पुराना एरिया माशाल्लाह, और ये कितना खूबसूरत सजाया गया है बाबा ताज के स्वागत में। देखिए ये दुकानें हैं क्या? हाँ। ये यहाँ पे ये मिलता है, और पूरे शहर में जगह जगह बाबा ताज की आपको फोटो देखने को मिलेगी माशाल्लाह, उसके मौके की सुभान अल्लाह। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सारी मस्जिद है, क्या नाम है इस मस्जिद का? ये अबू मियाँ बापू मियाँ, अबू मियाँ बापू मियाँ, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत। अच्छा मंदिर और दरबार दोनों भी है, क्या बात है। देखिए माशाल्लाह, और मंदिर और दरबार दोनों ही है, क्या मंदिर है। आप लोगों को बता दूं कि तुम्हारा भाई मिस्टर खान इसी तरीके से मेहनत करता और करता रहेगा। ये सामने आप देख रहे हो पुल है, इस पुल में ये देखो हमारी पब्लिक है माशाल्लाह। यो हबीबी माशाल्लाह, हमारे सब्सक्राइबर जा रहे हैं। ये देखो ऊपर हमको पुल चढ़ के जाना पड़ेगा जहाँ पे बड़ा साई संदल निकल रहा है, तो हम बड़ा साई संदल दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले हमको सामने जो दिखा वो छोटा ताजबाग का संदल था, जो कि हमारे हिंदू भाई निकालते हैं, राइट, जो बाबा जान को मानते हैं हिंदू भाई वो निकालते हैं अपने अपने कल्चर के हिसाब से। तो तुम्हारा मिस्टर खान ये देखो पैदल चल रहा है, पैदल भाग भाग के मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारा भाई भी हमें मदद कर रहा है वीडियो बनाने में, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा शकलन भाई का। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ मजमा खड़ा है साई चंदल देखने के लिए। अभी लगता है साई चंदल आया कि नहीं आया? आने का, आने का है। चलो बढ़िया है माशाल्लाह, फिर तो बढ़िया है मजमा देखो। ये देखिए पुल के ऊपर मजमा देख रहे हो साई चंदल देखने के लिए। ये बाबा ताज के जाने वाले पूरे पुल में देखिए पूरा बना हुआ है। हम नीचे से ही बनाएंगे, भाग के दौड़ते बनाएंगे आपको। ये देखिए माशाल्लाह पहले से पब्लिक खड़ी हो गई, पहले से बैठ गई साई संदल गुजरने से पहले। यहाँ पे देखिए सुभान अल्लाह, रात होने वाली है, दिन से निकला हुआ साई संदल, और यहाँ पे पब्लिक का हुजूम देखिए सुभान अल्लाह। इतना बड़ा निकलता है साई संदल, इतना बड़ा निकलता है साई संदल कि पूछो मत। ये देखिए माशाल्लाह, जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ पर आधे घंटे से बैठा हूँ माशाल्लाह, यहाँ पे मैं आधे घंटे से बैठा हूँ और यहाँ पे अभी भी संदल आया नहीं है, पर मजमा आ रहा है माशाल्लाह, तो काफ़ी दूर दूर से मजमा आता है। ये चाचा है, अस्सलाम वालेकुम चाचा, कहाँ से आए हो? हम रहते हैं यही के हो? कितना किलोमीटर चल के आ गए? 5-7 किलोमीटर। 5-7 किलोमीटर चल लिया? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा माशाल्लाह। संदल कहाँ है अभी, कितना दूर है? आगे थोड़ा, आने वाला है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कहाँ से पैदल चल के आ रहे हो? पैदल तो पूरा सिटी घूम के आ रहे हैं। पूरा सिटी घूम लिया, यानी 25 किलोमीटर दूर आराम से चल लिया। तो माशाल्लाह कैसा माहौल है मजमा? बहुत बढ़िया है, बाबा ताज का संदल है, ठीक है माशाल्लाह। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप यहाँ पे कब से बैठे हैं? एक आधा घंटा हो गया। कितना? एक घंटा हो गया। एक घंटे से बैठे हो? किस लिए बैठे हो? संदल के लिए। हाय हाय माशाल्लाह, तो देख सकते हो संदल के इंतजार में भाई एक घंटे से बैठे यहाँ पर, तो कैसा लगता है? मजा आता है, मतलब बाबा ताज का संदल है देखना तो पड़ेगा। तो बेसब्री से इस दिन का इंतजार था और इंतजार रहता है, 2 साल तो लॉकडाउन था। क्या लगता है कितनी पब्लिक है यहाँ पर इस बार? फिर भी लाखों में 20 लाख माशाल्लाह। ये देखो आ गया, इधर आओ इधर आओ। कहाँ से आए आप? नागपुर से ही हो? आज ये क्या बने हो आप? अरे नहीं मैं पूछ रहा हूँ किन की शान में बने हो? अरे किन के लिए बने हो?
मैंने कहा था ना शेर आएगा, आया है ना, अभी क्या क्या आएगा, भूत प्रेत जिन्नात। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बाबा ताज के चाहने वाले बड़े दूर दूर से आए हुए हैं, नागपुर से आए हुए हैं या नागपुर के अलावा भी आए हुए हैं। कहाँ से आए आप भाई? हम अकोला से आए। अकोला, माशाल्लाह, क्या क्या सुन के आए हो यहाँ के बारे में? यहाँ पे हम 5 साल जा रहे हैं भैया। 5 साल से? तो गाड़ी करके आए। कैसा लगता है यहाँ पे बाबा ताज का? माशाल्लाह, यहाँ का, यहाँ के जो संदल का महाराष्ट्र में कहीं नहीं निकलता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे संदल के बारे में? संदल के बारे में हम कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा संदल निकलता है यहाँ का, माशाल्लाह, बहुत नामचीन है। तो कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे लोग? भुसावल से, महाराष्ट्र। भुसावल से आए हो स्पेशली संदल देखने के लिए? क्या बात है, माशाल्लाह। ये देखिए काफी दूर जी। हाँ आइए इधर, रोशनी भाई है, आइए आइए, इरादे लाख बनते हैं मगर बनकर टूट जाते हैं, लाख बनते हैं मगर बनकर टूट जाते हैं, वही नागपुर आते हैं जिन्हें मेरे दादा दादी जी ने सरकार बनाया। दम मदार बेड़ा हक सैलानी। और कहाँ कहाँ से आए आप लोग, बताओ तो सही, तुम कहाँ से? सूरत गुजराती से। ये मोटा भाई मरे तो गुजराती खबर पड़े से, तुम्हें क्या नचो मजा वहाँ यही बोलना चाहिए भैया की हर साल आएंगे, सब यहाँ पे आते रहेंगे बाकायामत तक, सुभान अल्लाह, जब तक हम जिंदा है जब तक नागपुर आते रहेंगे, माशाल्लाह। माइकला हमारे को रोक नहीं रखता, दादा ताज के मठ में सब मिलेगा, पुकार में एक नारा, आठ नारे पंजदानी, एक नारा। ये देखिए माशाल्लाह, ये बाबा ताज के चाहने वाले। कब से बैठे हो आप यहाँ पे? अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? ओहो माशाल्लाह, ये देखो नागपुर की पब्लिक हो या बाहर की पब्लिक हो, ये बाबा ताज को देखने वाले, देख सकते हो संदल को देखने वाले। कैसा लग रहा है ऊपर बैठ के? वालेकुम सलाम। हाँ बस अल्लाह करम आपकी, हाँ यूट्यूब में आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे बाबा ताज के चाहने वाले, देखिए बढ़िया बढ़िया भाई, देखिए माशाल्लाह। ये देखिए लेडीज और जेंट्स सारे ऊपर बैठे हुए, क्या बात है माशाल्लाह, बच्चे हो बड़े हो बूढ़े हो, क्या बात है। ये है बाबा ताज के जाने वाले, देखिए हमारे सब्सक्राइबर। हाँ कैसे, बढ़िया भाई, वीडियो को शेयर करना, ये देखिए माशाल्लाह। यहाँ पर शाही संदल की एंट्री हो चुकी है, देखिए शाही संदल हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह की, जैसे तो ताज बाग का संदल आ चुका है, सुभान अल्लाह। ये देखिए बहुत बड़ा संदल होता है, बहुत बड़ा मजमा होता है माशाल्लाह। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बड़ी दूर दूर से पब्लिक आती है यहाँ पर बाबा ताज का संदल देखने के लिए। देखिए ये देखिए सुभान अल्लाह, ये भाई जान मैनेज कर रहे हैं सारी पब्लिक को। किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं पब्लिक को आप लोग? बिल्कुल बराबर भैया, माशाल्लाह, कोई ज्यादा तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, माशाल्लाह, मतलब अदब और एहतराम के साथ यहाँ पे संदल निकाला जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो शूट। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, साई संदल का आगाज हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे तोप छोड़ी जा रही है, तोप से स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये शाही तोप है, ये देख सकते हो यहाँ पे शाही तोप आ चुकी है, और शाही तोप से यहाँ पे स्वागत करा जाता है माशाल्लाह जब भी संदल गुजरता है। ये देखिए माशाल्लाह, अभी शाही तोप छोड़ेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, शाही तोप का क्या रिवाज होता है जी, बताइए? ये सरकार का शाही तोप है, और ये हमेशा संदल जब से निकलता है तब से ये निकलता है, शाही तोप निकलता है साथ में, और शाही तोप से ये आगाज करा जाता है संदल का। ये सरकार का संदल का आगाज किया जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए शाही तोप छूटने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे माशाल्लाह, इसी तरीके से बड़े धूमधाम के साथ। ये देखिए शाही तोप छोड़ रहे हैं, ये देखिए शाही तोप को छोड़ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो माशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए यहाँ से आगाज हो गया शाही संदल का, देख सकते हो शाही तोप छोड़ते ही शाही संदल का आगाज हो जाता है। ये देखिए, और ये देखिए मस्तान मलंग लोग आ चुके हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो बड़े दूर दूर से मस्तान मलंग लोग आते हैं बाबा के दरबार पे, और इसी तरीके से दिखाते हुए जाते हैं। मस्तान मलंग लोग आ चुके हैं यहाँ पर, शाही तोप का आगाज हो चुका है, मस्तान मलंग लोग शेर। ये देखिए ये बाबा के शेर बने हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। देखिए करो बाबा करो, ये देखिए
अच्छा ये बताइए आप ये क्या बने हैं? शेर? शेर बने हैं। ये किन के शेर बने हैं आप? ताजुद्दीन बाबा के शेर बने माशाल्लाह। तो ये आप कब से बन रहे हैं शेर बाबा ताजुद्दीन? सवा साल है करके बने। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, देख सकते हो बाबा जान के शेर बने। तो ये देखिए यहाँ पे मैं शेर की भी मान्यता पूछूंगा, क्या है क्या मान्यता है, शेर क्यों बनते हैं यहाँ पे। ये देखिए सारे मस्तान मलंग लोग आ गए और ये हमारे मस्तान बाबा आ गए। माशाल्लाह मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर बाबा ताज के संदल में शरीफ हुए। कैसा लग रहा है बाबा? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा मंजर है बाबा ताज के संदल में। ठीक है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे साई संदल जैसे कि आपको पता है आ चुका है और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं साई संदल को देखने के लिए। सुभानअल्लाह। आप कहाँ से आए हो? यही क्या नागपुर से। आलम शरीफ आ चुके हैं, देखिए बहुत बड़ा संदल निकलता है। ये साई संदल है, कम से कम 5 किलोमीटर की दायरे पे निकलता है। देखिए ये देखिए माशाल्लाह चादर जा रही है, देख सकते हो आलम शरीफ के साथ।
चेन बना करके चादर शरीफ को लेकर आने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन सा सैंडल है? ये कौन सा सैंडल है? ये चादर है, अपनी जाके बनाने में पेश की जाएगी। ये साइज सैंडल है? ये चादर की है, चादर की चादर है भाई। ये जाके अभी बनाने में चादर पेश की जाएगी। सुभान अल्लाह बड़ा खूबसूरत प्यारा मंदिर।
देखिए इंसान मोर बने।
उसके फोल्डे जो रहते से भी चाची लोग आए। चाची कौन से गांव से आए आप? ये देखिए यहाँ से गांव से भी लोग बैठ बैठ करके आए माशाल्लाह। मुंबई जाइए। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे गांव से भी लोग आए। हो गया लंगर हो गया? ये देखिए लंगर भी हो गया। तो गाइस फाइनली मैं आपको बता दूं, माशाल्लाह शाही संदल का हमने पूरा ब्लॉग बना दिया है, पर हमने काट पीट के बनाया। ये पूरा 5 किलो रनिंग पूरा था, 5 किलोमीटर तक पूरा लंबा। ये हमारी हालत से आपको पता चल ही रहा होगा कि पसीना देखो हमारे 5 किलोमीटर दूरी तक पूरा मजबूत था। मेहनत लगती है एक एक वीडियो एक एक ब्लॉग बनाने के लिए, तो प्लीज कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे खान को सपोर्ट करें और हमारे भाइयों को भी सपोर्ट करें। सकलेन और सोफियान, तो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।